एक देखो एक अच्छा सा सवाल है एनसीईआरटी का। इस सवाल में बेसिकली हम लोगों को ये दिखाया गया है कि अगर एक आदमी है एक वेट को खींच रहा है और वो वेट पहले तो वो सिंपली ऐसे पुल कर रहा है, ठीक है, एक ब्लॉक है 25 kg का और आदमी खुद 50 kg का, टू डिफरेंट मेथड से ऊपर खींच रहा है। तो इफ द फ्लोर यील्ड टू ए नॉर्मल रिएक्शन 700, मतलब ये जो फ्लोर है जिस फ्लोर पे आदमी है वो 700 न्यूटन ही लगा सकता है नॉर्मल, उससे ज्यादा नहीं लगाएगा, उससे ज्यादा लगाएगा तो डिफॉर्म हो जाएगा, या उससे ज्यादा इस पे नॉर्मल लगा दूंगा ग्रेटर देन 700 तो ये इस फ्लोर का डिफॉर्मेशन हो जाएगा, दब जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, इल्ड हो जाएगा। तो इसमें कहता है कि कौन सा मेथड आदमी के लिए अच्छा है ब्लॉक को खींचने के लिए। अब सिंपल सी बात है कि कौन सा मेथड अच्छा होगा ब्लॉक को खींचने के लिए जिसमें नॉर्मल की वैल्यू कम होगी, भाई 700 से कम होगी, वो मेथड अच्छा होगा। तो चलो सबसे पहले हम नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं इस फ्लोर पे। तो सबसे पहले अगर इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखोगे, तो इस आदमी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो पहले केस में जो आदमी पे आदमी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे फर्स्ट वाले केस में, तो फर्स्ट वाले केस में आदमी स्ट्रिंग को खींच रहा है ऊपर, स्ट्रिंग को ऊपर खींच रहा है, तो इसके हाथों पे जो स्ट्रिंग है वो इसको नीचे खींच रही होगी, टेंशन टी नीचे लग रहा होगा। फ्लोर जो है इस आदमी पे फ्लोर नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा और एक फोर्स वेट एमजी इधर भी लग रही होगी, ठीक है। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो मैं इक्विलिब्रियम कंसीडर करके चल रहा हूं। तो इक्विलिब्रियम के केस में इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो ब्लॉक पे टेंशन टी ऊपर लगेगा और इसका वेट टेंशन टी ऊपर लगेगा और इसका वेट एमजी नीचे लगेगा, तो टेंशन टी की वैल्यू एमजी के इक्वल होगा इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, और इसका मास मास 25 kg है, जी की वैल्यू 10 ले देता हूँ तो 250 न्यूटन टेंशन हो जाएगा पहले केस में। तो अब अगर इक्विलिब्रियम है, मैन एट रेस्ट है, इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस टेंशन टी। तो पहले केस में एम जी की वैल्यू मास ऑफ द मैन 50 है, जी की वैल्यू 10 है और प्लस टेंशन की वैल्यू आ जाए, टेंशन इधर कैलकुलेट किए हो 250 न्यूटन स्ट्रिंग में, तो 750 न्यूटन आ गया नॉर्मल पहले केस में। इसका मतलब ये हुआ अगर आदमी अगर पहले केस में इस ब्लॉक को ऐसे ऊपर खींचता है तो ये जो आदमी जो फ्लो आदमी जो इस पे नॉर्मल नॉर्मल लगेगा, जो नॉर्मल लगाएगा आदमी इस फ्लोर पे, वो इस फ्लोर का डिफॉर्मेशन हो जाएगा, इल्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये क्योंकि ये जो मैक्सिमम नॉर्मल जो फ्लोर ले सकता है वो तो 700 ही ले सकता है ना, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, 700 से ज़्यादा में ये दब जाएगा यार, डिफॉर्म हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो फर्स्ट केस सही नहीं है इसको खींचने के लिए ब्लॉक की, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा आ रही है, 750 से आ रही है। चलो दूसरे केस में देख लेते हैं। दूसरे केस में आदमी ऐसे स्ट्रिंग खींच रहा है, तो दूसरे केस में अगर आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, दूसरे केस में अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस केस में आदमी स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है, तो स्ट्रिंग इसको क्या कर रही होगी, ऊपर खींच रही होगी। इस केस में स्ट्रिंग इस पे टेंशन टी ऊपर लगा रही होगी, ठीक है, और वेट एम जी इसका नीचे लग रहा है जो कि अर्थ लगा रही होगी, और यहाँ पे नॉर्मल जो फ्लोर लगा रहा होगा इस पे ऊपर, या आदमी फ्लोर पे लगा रहा होगा वो अलग है, बट अभी मैं आदमी पे देख रहा हूँ। तो अगर इक्विलिब्रियम के केस में देखोगे तो यहाँ पे टेंशन प्लस नॉर्मल ये दोनों मिलके वेट एम जी को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर जो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे नॉर्मल की वैल्यू, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस टेंशन टी, और इक्विलिब्रियम के केस में एम जी 500 और टेंशन पहले ही स्ट्रिंग में कैलकुलेट कर लिए इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, मैक्सिमम 200 250 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 250 न्यूटन। तो जो कि 250 न्यूटन एक अच्छा खासा मतलब इस केस में जो नॉर्मल लगेगा आदमी लगाएगा 250 न्यूटन लगाएगा फ्लोर पे, और ये मैक्सिमम टेंशन तो 700 ले सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट मेथड है वो सुटेबल नहीं है इसके, और सेकेंड मेथड पुली वाला ये ज़्यादा सही है इसको।